कोरोना की मार से शायद ही अब कोई ऐसा देश हो जो अभी तक बचा हो। दुनिया के इकलौते महाशक्ति अमेरिका से लेकर ब्राजील और मेक्सिको तक में ये वायरस कोहराम मचा रहा है। अमेरिका में जहां भारी तादाद में लोग संक्रमित हैं, वहीं ब्राजील और मेक्सिको में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है, जबकि मरने वालों की संख्या भी 5,000 से ज्यादा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अब तक 5,109 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस से अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका के पड़ोसी देश ब्राजील में भी कोरोना का कहर टूटा है। ब्राजील में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 244 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि महज एक दिन में ही 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। यहां अब तक इस वायरस ने 29 लोगों की जान ले ली है, जबकि 1200 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मेक्सिको में बिगड़ते हालात को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। हालांकि अब भी सड़कों और बाजारों में यहां बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं।